Hello students, welcome back. Myself Vivek Sharma, Kelvin Institute, and today we will discuss about the reduction of carbonyl compounds and acid derivatives. अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं reducing agent की बात करूँ तो जैसे मान लीजिए C double bond O group है. अब एक reducing agent अपन ले सकते हैं बेटा, hydrogenation करवा सकते हैं in presence of NIPDPT, that is catalytic hydrogenation. अभी मैं simple reaction की बात कर रहा हूँ, फिर इसी के अंदर अपन इसकी mechanism की reaction की बात करेंगे. अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या आ गया, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, भाई जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे H2Ni सबको तोड़ देगा. तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड, और ये OH आ गया और ये C बन गया. उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट अपन ले सकते हैं बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, वहाँ पे भी सेम होगा. अब जैसे अपन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, LiAlH4 NaBH4 दे बोथ बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा आपका H-, तो H- अटैक करेगा बेटा यहाँ पे, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फिर यहाँ से H इधर जाएगा, तो भाई वापस यहाँ पे भी क्या बन गया आपका, एल्कोहल. तो अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, मैकेनिज्म अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं. अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो एल्डिहाइड का मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे, सिंपल केस में 1 डिग्री अल्कोहल. सेम मेरे पास ये क्या था बेटा, प्रोपेनल रिडक्शन करा H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni या H या H, ये क्या बन गया बेटा, प्रोपेन 1-ol. वही अगर मैं कीटोन का रिडक्शन करवा रहा हूँ, चाहे NaBH4 हो, चाहे H2Ni हो, चाहे आपका LLH4 हो, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H. अब कैसे, किसका H क्या गया भाई, H- यहाँ गया, ये कैसे गया, इसे अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी मैकेनिज्म में. तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल. सिमिलरली ये क्या था बेटा आपका, ब्यूटेनॉन, इसका मैं रिडक्शन करवाया तो वापस ये क्या आ गया, एच और एच, ये क्या बन गया आपका अगेन 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज ब्यूटेन 2-ol. अब इसमें अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेटा टिपिकली H2 और Ni की बात करूँ, मतलब रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन या कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ NiPdPt. तो देखो बेटा H2 और Ni है, तो जितने भी टाइप्स के मल्टीपल बॉन्ड हुए, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ, सबको रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है. अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे इसी के अंदर देखिए, इफ़ आई एम सेइंग CH2 डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH, अब भाई H2 और Ni की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भाई ये क्या करेगा बेटा, यहाँ भी हाइड्रोजन, देखो भाई अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन. तो सिंपल जितने भी मल्टीपल बॉन्ड थे सब सारे किस में हो गए बेटा, सैचुरेट बॉन्ड के अंदर, और ये क्या बन गया आपका CH3 CH2 CH2OH, तो दैट विल बिकम वॉट, एल्डिहाइड. तो ये क्या बन गया बेटा आपका, प्रोपेन 1-ol. तो जितने कार्बन थे उतने सेम कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल मेरे पास मिल गया. अगर बाय चांस मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, चाहे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हुआ, चाहे सी डबल बॉन्ड हुआ, सबको तोड़ेगा. तो यहाँ पे ये क्या आ गया बेटा आपका, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेटा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 तो ये क्या बन गया बेटा 1, 2, 3, 4, 5, तो भाई एक दो, और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH, तो ये क्या बन गया अगेन 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज पेंटेन 2-ol. सिंपल रिएक्शन. अगर मान लीजिए एसिड क्लोराइड भी है तब वहाँ पे भी ये क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये इससे कैसे होगा अभी इसकी मैकेनिज्म अपन डिस्कस करने वाले हैं. एसिड क्लोराइड के रिडक्शन की बात करेंगे, एसिड के रिडक्शन की बात करेंगे, बस अभी क्या ध्यान रखना, जितने कार्बन थे भाई 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन का मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल. तो अभी मैं यहाँ पे केवल आपको रिड्यूसिंग एजेंट से फैमिलियर करवा रहा हूँ, क्या मैकेनिज्म है, कैसे है, अपन सब इक्वेशंस के हिसाब से और सब डिस्कस करते हुए चल रहे हैं इसी डीपी में. अब देखिए भाई इसी वीडियो के अंदर, अब देखिए भाई सिंपल सी बात, तो भाई H2Ni है, LLH4 है, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल. सिंपल केस के अंदर H2Ni जितने भी मल्टीपल बॉन्ड हुए, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में हो गया, चाहे CO, सबको बेटा तोड़ने की कैपेबिलिटी रखेगा. अब अपन टिपिकली बात करते हैं बच्चों LiAlH4 और NaBH4 की बात करें, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूँ, देखो सिंपल रिएक्शन मुझे पता है, अगर एल्डिहाइड हो गया, इनसे मैं रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन है तो क्या मिल रहा है 2 डिग्री अल्कोहल. अब इसके बारे में जानते हैं कि रिएक्शन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है बेटा. अगर मैं बात कर रहा हूँ LiAlH4 और NaBH4, तो दे बोथ बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H- आयन. और भाई चाहे LiAlH4 हो चाहे NaBH4, दोनों में क्या बेटा मेरे पास H- आयन, दैट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. अब मैं यहाँ से बात करूँ भाई, जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो बेटा मैं क्या हूँ, मेरे पास है एल्डिहाइड. अब इस एल्डिहाइड को भाई सिंपल सी बात है LiAlH4, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा आपका H-, दैट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. देखो मुझे आंसर पता है, एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन थे R, और एक कार्बन क्या बन गया 1 डिग्री अल्कोहल.
अब देखो होता क्या है, रिएक्शन क्या होती है, इससे तो क्या निकलता है बेटा आपका H माइनस, दैट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोनिल ग्रुप है तो वो कहाँ अटैक करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आ गई आपके ऑक्सीजन पे, तो H माइनस कहाँ अटैक करा बेटा इसके कार्बन पे, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये यहाँ पे इधर गया और यहाँ पे ये क्या बन गया मेरे पास H, और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन गया बेटा LiAl, और ये हो गया बेटा मेरे पास एस थ्री बचा। अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँ, मतलब नेगेटिव बचा, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास एच आ जाएगा। तो आई कैन से दैट कि ये क्या बन गया बेटा आपका आर सी एच टू ओ एच, क्या वन डिग्री अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया इसके अंदर। सिमिलरली अगर मैं कीटोन की बात कर रहा हूँ, जैसे इस बार चलो अपन ले लेते हैं एन ए बी एच फॉर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो अगेन यहाँ से भी क्या निकलने वाला है बेटा आपका एच माइनस, दैट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई बेटा ऑक्सीजन के कारण, अब यहाँ पे एच माइनस अटैक कर गया बेटा इसके कार्बन के ऊपर, और जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये क्या बन गया सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री, ये हो गया आपका ओ माइनस। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो यहाँ पे ओ माइनस की जगह क्या आ जाएगा बेटा ओ एच आ चुका होगा। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें हल्का सा वेरिएशन कैसे ले सकते हैं बच्चों, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जैसे मान लीजिए सी एस थ्री सी इथेनल है, उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ LiAlH4 की जगह LiAlD4 है, मतलब प्रोटियम की जगह क्या है बेटा ड्यूटेरियम, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलने वाला है न्यूक्लियोफाइल, दैट विल बी डी माइनस। अब जो ये डी माइनस है वो कहाँ अटैक करने वाला है बेटा आपके इथेनल के ऊपर, तो यहाँ से ये डी माइनस इस पर अटैक करा, डी माइनस अटैक करा और ये आपका यहाँ पे डिया। अब मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पे क्या आ चुका होगा बेटा आपका एच आ चुका होगा, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों ये तो एक सिंपल सा बेसिक सा रिएक्शन मैंने बताया, अगर वन डिग्री अगर एल्डिहाइड है और रिड्यूसिंग एजेंट अपन यूज़ कर रहे हैं, चाहे LiAlH4 चाहे NaBH4 चाहे H2Ni, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बेटा वन डिग्री अल्कोहल, और अगर मेरे पास कीटोन है तो मुझे जनरली क्या मिलेगा बेटा टू डिग्री अल्कोहल। अब इस रिएक्शन के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, अब मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड बाय LiAlH4। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड बाय LiAlH4। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड बाय LiAlH4। सबसे पहले मैं इसकी मैकेनिज्म के थ्रू आगे प्रोसीड करना चाहूंगा बेटा, मेरे पास रिएक्शन मान लीजिए ये है आपका एनहाइड्राइड, और इससे मैं रिड्यूसिंग एजेंट लेके चल रहे हैं अपन यहाँ पे LiAlH4, और सेकंड स्टेप हो जाएगा बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस। तो देखो यार, पहले मैं सबसे पहले सिंपल प्रोडक्ट की बात करूँ, मैकेनिज्म में मैं बताऊँगा भाई, जब भी एनहाइड्राइड हो उसको भी बेटा LiAlH4 इजीली रिड्यूस करेगा, लेकिन ये देखना है बेटा कैसे रिड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा इस ओ के बाद ये आपका दो कार्बन, एक आर और एक कार्बन, यहाँ पे भी क्या हुआ एक आर और एक कार्बन, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला रिडक्शन के बाद आर, और ये हो गया बेटा एक कार्बन, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका OH, तो डबल ट्वाइस ऑफ आर CH2OH बनेगा। तो भाई ये मुझे पता लग गया कि रिडक्शन से जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बन गया मेरे पास अल्कोहल बन गया, लेकिन कैसे बना क्या बना इसका मैकेनिज्म अपन समझते हैं। तो समझिएगा बच्चों, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो बच्चों सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, ये हो गया आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब मुझे पता है भाई यहाँ से मेरे पास क्या है LiAlH4, और LiAlH4 से क्या निकलने वाला है भाई चार एच माइनस है, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका एच माइनस, दैट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अब मैं चाहे इस पर अटैक कर रहा हूँ इस पर अटैक कर रहा हूँ एक ही बात है बेटा, मैंने इसको अटैक करा दिया यहाँ पे अटैक करा दिया। अब जैसे मैंने इसको अटैक कराया तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव बना, यहाँ पे क्या आ गया आपका बेटा एच माइनस, और ये क्या आ गया बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ओ माइनस, और ये हो गया बेटा मेरे पास आर, और यहाँ पे ये क्या आ गया बेटा मेरे पास एच। अब भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैंने अब यहाँ से ओ माइनस था, अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वापस कार्बन डबल बॉन्ड के फॉर्म में आई, और यहाँ से ये आर सी ओ माइनस के फॉर्म में ये ग्रुप लीव हो गया, तो भाई यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, एक तो बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और एक मेरे पास बन गया बेटा मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो यार खुद देखो एल्डिहाइड है, इसका मैं फर्दर रिडक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा वन डिग्री अल्कोहल, और एक मेरे पास बना हुआ है बेटा आर सी ओ ओ ओ माइनस। अब मैं इसको फर्दर बेटा इसको भी मैंने एच माइनस से इसको भी एच माइनस, और एच माइनस कहाँ से आ रहा है बेटा मेरे पास, इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर LiAlH4।
अब मैं इसकी बात करूंगा तो भाई ये वापस ये गया इधर, ये इधर, तो यहाँ पे एच माइनस इस पर अटैक कर रहा और यहाँ पे भी इधर अटैक कर रहा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट इंटरमीडिएट क्या बन गया आपका आर सी ओ माइनस, ये हो गया ओ माइनस, यहाँ पे ये आ गया आपका एच, और यहाँ पे ये क्या बन गया आर सी ओ माइनस, ये हो गया एच, और यहाँ आ गया आपका एच। अब भाई इन दोनों को अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ, बेटा ये हो गया मेरे पास हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा ये मेरे पास बन चुका है क्या आर सी एच एच, और ये आ गया मेरे पास ओ एच, मतलब सिंपल सा क्या बन गया आर सी एच टू ओ एच, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बन चुका है। अब मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसमें हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के बाद मुझे क्या मिल जाएगा आर सी ओ ओ एच माइनस, मतलब यहाँ पे क्या चुका होगा बेटा एच और एच, और मुझे पता है भाई एक ही कार्बन के ऊपर दो ओ एच ग्रुप स्टेबल नहीं है, तो क्या मैं यहाँ से एच टू ओ निकाल दूँ। अगर मैंने इसमें से यहाँ से एच टू ओ निकाल दिया तो आप देख पाएंगे कि बच्चों ये वापस क्या बन गया मेरे पास, एच टू ओ निकाला तो ये क्या बन गया मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, मतलब एल डी एड बन गया भाई। अब मैं उसको वापस हीट करवा रहा हूँ बेटा एच माइनस के साथ, तो एच माइनस वापस अटैक कहाँ करेगा बेटा इधर, और इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपके सामने आर सी ओ माइनस एच, यहाँ आ गया एच। अब मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो ये क्या बन गया मेरे पास आर सी एच टू ओ एच, तो वी कैन सी दैट मेरे पास दो मोल क्या मिल गए बेटा आर सी एच टू ओ एच। मैकेनिज्म आपसे कोई पूछे ना पूछे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपसे ये ध्यान रखना है कि एनहाइड्राइड हुआ तो जितने कार्बन हुए ओके अलॉन्ग, तो वो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे R के साथ एक कार्बन, तो आर सी एच टू एच आर सी एच टू एच कैसे बना, हमने पूरा विद मैकेनिज्म इस चीज़ को समझ लिया है। अब बच्चों मैं चाहूँगा कि एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई ट्राई करिएगा बेटा। क्वेश्चन ये आया है आपके सामने डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका बेटा फर्स्ट एल आई ए एल एच फोर, और ये हो गया बेटा मेरे पास एस थ्री ओ पॉजिटिव। यहाँ मुझे मेजर पार्ट बनाना है, तो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इसका सेकंड पार्ट बच्चों आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन और इसके आगे का पार्ट अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।